दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। लगातार हम 4-5 वीडियो पिछले वीडियो में हम कवर किए होंगे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से, जो अभी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरे होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे TCS के तरफ से ये ऑफिशियल क्वेश्चन है और इसी तरह से जो है क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कम समय है, आप लोग तैयारी में अभी भी समय है, पूरा जोर से जो है लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी आप पिछले वीडियो को जो नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो हम 4-5 वीडियो कवर किए होंगे एक्सेल पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से, जितना भी क्वेश्चन आते हैं एमएस वर्ड से सभी हम कवर करवा दिए हैं। आप पिछले वीडियो या प्ले लिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम यहां पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको आंसर मालूम होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट और इंटरनेट आईपी एड्रेस प्रिंटर मेमोरी से हमने इसमें क्वेश्चन रखा है। तो सभी टॉपिक को लेकर हम इसमें क्वेश्चन डाले हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, समय निकाल करके। काफ़ी हेल्प मिलने वाली है 14 सितंबर 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 होम मेन्यू के अंदर कुल कितने प्रकार के समूह होते हैं। तो एमएस एक्सेल अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे होम मेन्यू को, तो वहाँ पर देखेंगे टोटल 7 प्रकार के समूह होते हैं जिनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्लिपबोर्ड होता है, उसके बाद फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, पैराग्राफ होता है, सेल होता है, उसके बाद एडिटिंग होता है, ठीक है, और नंबर होता है। टोटल 7 प्रकार के समूह होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकेंड में जानकारी यहाँ पे देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न है कि एमएस एक्सेल यूजिंग अल्ट एच ओ आर 1 कैन। आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में ये शॉर्टकट कुंजी है अल्ट एच ओ और आर को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा एमएस एक्सेल में। तो यहाँ देखिए रीनेम द वर्कशीट, डिलीट द वर्कशीट, डायरेक्ट आंसर पे हम चलते हैं तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, रीनेम द वर्कशीट। अल्ट एच करेंगे तो होम मेन्यू जो है आपका हाईलाइट होंगे और ओ दबाएंगे तो आपको फॉर्मेट जो होगा, फॉर्मेट सेल्स ग्रुप में देखेंगे फॉर्मेट आता है तो फॉर्मेट वो हाईलाइट हो जाएंगे, और आर करेंगे तो रीनेम आपका वर्कशीट हो जाएंगे, नया नाम आप वहाँ पर प्रविष्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। चलिए थर्ड में आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि अल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू में भी सूड इन एमएस एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में अगर एक साथ अल्ट ओ सी डब्ल्यू दबाते हैं तो क्या होगा, एडजस्ट द रॉ विड्स होगा, तो रॉ का जो है हाइट होता है विड्स नहीं होता है, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे एडजस्ट द रॉ हाइट, एडजस्ट द रॉ हाइट ये नहीं होगा, बाकी एडजस्ट द कॉलम विड्थ इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, एडजस्ट द कॉलम विड्थ होगा। अल्ट एच यहाँ पर देखिए अल्ट ओ सी डब्ल्यू करेंगे एक साथ तो आपका जो एडजस्ट द कॉलम मतलब कॉलम की जो है चौड़ाई वो आपको एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। अगर इसको आप याद रखना चाहेंगे तो आप एक लाइन में जो है इसे याद रख सकते हैं कि एम एस एक्सेल में कॉलम का चौड़ाई होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में विड्थ बोलते हैं, और रॉ की जो होता है वो हाइट होता है, जिनको हम हिंदी में जो है आप लोग हाइट ही बोल सकते हैं और इंग्लिश में ही हाइट ही बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉलम का जो है चेंज हो जाता है, इंग्लिश में विड्थ हो जाएंगे और हिंदी में चौड़ाई हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए जानकारी में दिया गया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि अल्ट ओ सी और डब्लू, डब्लू जब भी आएंगे तो कॉलम का विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, तो ऐसे याद रख लेंगे। अब बाकी अगर रॉ की आ जाएंगे तो आगे हम उस पर भी डिस्कशन किए होंगे कि रॉ की जो हाइट एडजस्ट करेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मतलब उतना हार्ड नहीं है, आप उसे ट्रिक से पकड़ेंगे तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चार में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ पे होता है, टॉप मतलब हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हो गया इस साइड से लेफ्ट, राइट हो गया इस साइड से, ठीक है, बॉटम मतलब हो गया सबसे नीचे, तो स्टेटस बार जो होता है सबसे नीचे होता है, टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन, अल्ट ओ आर और ई मैं भी यूज इन एम एस एक्सेल। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में एक साथ अल्ट ओ आर ई दबाते हैं
तो हम आपको ट्रिक बताए थे, इसका जो होगा रॉ की जो है हाइट हो जाएंगे, ठीक है, एडजस्ट द रॉ हाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेंगे, एक नंबर में ही है यहाँ पे ऑप्शन एडजस्ट द रॉ विड्थ है, सॉरी ये भी नहीं होगा। सेकेंड में देखेंगे एडजस्ट द कॉलम विड्थ, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी में देखेंगे एडजस्ट द कॉलम विड्थ, ये भी नहीं होगा। डी में यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, एडजस्ट द रॉ हाइट, ठीक है। एक साथ अगर आप अल्ट ओ आर ई दबाते हैं तो एडजस्ट द कॉलम, सॉरी एडजस्ट द रॉ हाइट, मतलब रॉ की जो हाइट जो होता है उसे आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो मतलब लेना चाहेंगे तो वहाँ पे ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन में कि एम एस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से रॉ की हाइट कितना होता है, तो वो 15 होता है, ठीक है, और अधिकतम जो होता है 409 होता है। आपको हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, बाकी एम एस एक्सेल में अगर कॉलम का डिफ़ॉल्ट चौड़ाई पूछते हैं तो 8.43 होता है और अधिकतम 255 होता है, इसके रिगार्डिंग हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। छः में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल 2016 में कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एम एस एक्सेल 2016 में कंट्रोल स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी रॉ को सिलेक्ट करने के लिए। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, तो किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कॉलम को जो सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला लेटर सी होता है, सी ओ एल ओ यू एम, कॉलम होता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कंट्रोल अगर स्पेस आएंगे तो आप कॉलम को जो है सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एस शिफ्ट प्लस स्पेस आएंगे तो उसके लिए रॉ सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक को याद रखेंगे तो दूसरा का आंसर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, तो एक को आपको यहाँ पे याद रखना है, कंट्रोल स्पेस से कॉलम होता है, ठीक है। अगर यहीं पे शिफ्ट स्पेस रहता है तो वहाँ पे रॉ सिलेक्ट होता है, तो दोनों में से कोई एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में शिफ्ट स्पेस, यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कि शिफ्ट स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, तो किसी रॉ को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जो बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है आठ में कि किसी डायलअप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर डैश डैश होती है, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। डायलअप कनेक्शन का जो स्पीड होता है वो 56 KB/s होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद नौ में आपको जानकारी देना है विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट द डेट ओनली एम एस एक्सेल, आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में सिर्फ डेट यानी आज जो हो गया 2 सितंबर 2024 है, तो इसे आप इंसर्ट कैसे करेंगे, टू डे नाउ टाइम कैलेंडर, इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। टू डे और ब्रैकेट देकर इंटर दबाएंगे तो आपका जो आज का जो डेट होगा वो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि विच मेन्यू हैव द फिल ऑप्शन इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में देखेंगे होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में फिल का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि ये कौन सा ग्रुप में होता है, व्यू फॉर्मेट टूल एडिटिंग, राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। फिल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। एडिटिंग समूह देखेंगे ऑटो फिल होता है, तो वहाँ से आप मतलब जैसे 1, 2, 3 ऐसे सीरियली नंबर लिखना चाहते हैं तो एक और नीचे में जितना तक लिखना चाहते हैं उतना नंबर देकर आप फिल कर देंगे नीचे की ओर कॉलम में या रॉब में, उधर मतलब लेफ्ट राइट जिधर भी करना चाहेंगे उस साइड आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होता है एडिटिंग मेन्यू में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है एम एस वर्ड में, ये एम एस वर्ड का क्वेश्चन है कि डबल लाइन स्पेसिंग मतलब समझ सकते हैं आप राम लिखे हैं, राम इज गुड बॉय, और फिर नीचे में लिखे है श्याम, ठीक है, इसके बीच का जो दूरी होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है 1.15 होता है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाएगा डबल लाइन स्पेसिंग लेना है तो 1.15 जो होता है वो इसके बीच में जो है 2 इंची गैप हो जाना चाहिए, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी जो होता है जब 2 इंची पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस 2 लगाना है, ठीक है, और सिंगल के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस 1 होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और डिफ़ॉल्ट के लिए 1.15 के लिए कंट्रोल प्लस 5 दबाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट होता है 1.15, तो ये तीनों आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस 2 से जो है डबल लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में विशेष चिन्ह यहाँ पर समझ सकते हैं, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, इंसर्ट सिंबल। तो विशेष चिन्ह के लिए जो जैसे कॉपीराइट का ही सिंबल लेना है तो ये विशेष चिन्ह हो गया, तो ये सभी आपको सिंबल में मिल जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में सिंबल होता है, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे मेन्यू नहीं पूछा जा रहा है जो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, तो वो सिंबल होता है, ठीक है। जब यहाँ पे मेन्यू होता है तो उसके लिए इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कहाँ पर मेन्यू, कहाँ पर कमांड, कहाँ पर टूल पूछा जा रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है। मान लीजिए कि आप कोई मतलब बुक पढ़ रहे हैं और जहां से आप पटना छोड़ दी है तो वहां पर आप जो है एक चिन्हित लगा देते हैं जिसको हम बुक मार्क बोलते हैं, वो एमएस वर्ड में होता है बुक मार्क, इंसर्ट मेन्यू में लिंक में होता है बुक मार्क। आप कोई चीज़ पढ़ रहे और जहाँ तक आप छोड़ दी है पढ़ के, तो आप कल दोबारा से अगर आएंगे तो वहीं से आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप बुक मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएंगे हम। चलिए उसके बाद 14 में आपको जानकारी देना है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डैश डैश के आकार का हो जाता है। फॉर्मेट पॉइंटर देखेंगे होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड सेक्शन में होता है और उस पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस का मतलब पॉइंटर है वो ब्रश के आकार के हो जाएगा, ठीक है। ब्रश के आकार का हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप ब्रश करते होंगे, ठीक है, ब्रश के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे दीवार पे आप मतलब ब्रश से पेंट करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपका माउस का सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑप्शन नोट द डाटा मेन्यू एम एस एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल में डाटा मेन्यू होता है तो उसके अंदर कौन सा मतलब ये टूल नहीं आता है। यहाँ देखिए वैलिडेशन है, वैलिडेशन भी आता है, उसके बाद फिल्टर ये भी आता है, फ्रीज पेन शॉर्ट। तो फ्रीज पेन जो है ये व्यू मेन्यू के विंडोज ग्रुप में होता है, बाकी शॉर्ट फिल्टर और वैलिडेशन ये सब आपको मतलब डाटा मेन्यू में मिल जाएंगे, बाकी फ्रीज पेन नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट द डाटा मेन्यू इन एम एस एक्सेल, डाटा मेन्यू के अंदर क्या नहीं होता है, तो फ्रीज पेन का नाम ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि विच डिस्प्ले वेन फार्मूला इरर एम एस एक्सेल में। देखेंगे एम एस एक्सेल में कोई फार्मूला इरर हो जाती है तो कौन सा सिंबल आता है, तो यहाँ देखिए एबेसलिट का है, उसके बाद यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है और उसके बाद हैच है। तो यहाँ देखेंगे जब भी आपका फार्मूला इरर होता है तो आपका इस तरह से सिंबल आ जाएगा हैच की और, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ दीज फंक्शन इज यूज टू रिमूव मोर देन वन स्पेस। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे राम इज और बीच में स्पेस लेते हैं और उसके बाद राम इज गुड बॉय लिखते हैं और इसको सभी को सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सेल में ये लिखा हुआ है राम इज गुड बॉय, ठीक है। आप दूसरे सेल में ट्रिम फंक्शन लगाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं राम इज गुड बॉय जिस पे होगा और उसमें जो भी स्पेस होगा वो सभी को स्पेस वो मतलब रिमूव कर देगा और मतलब वो जो है बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा और राम इज गुड हुआ है आपका जो भी है वो लिख देगा, लेकिन बीच में जितना भी स्पेस होगा वो सभी को हटा देगा। इस फंक्शन का नाम है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑप्शन इज द यूज टू रिमूव मोर देन वन स्पेस, मतलब जो भी स्पेस है सभी को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का उपयोग करते हैं। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 18 में हाउ द डाटा ऑर्गेनाइजेशन द स्प्रेडशीट। तो एम एस एक्सेल में देखेंगे आप जो कॉलम में इंसर्ट करते जो भी डाटा आप टाइप कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो वो किस में कर रहे हैं, लाइन एंड स्पेस में, रॉ एंड कॉलम में, लेयर एंड पैलेट्स में, उसके बाद हाई एंड विड्थ में। तो एम एस एक्सेल में देखेंगे आप जो भी काम करते हैं रॉ या कॉलम में ही काम करते हैं, ठीक है। जिसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। रॉ एंड कॉलम में कोई भी जो काम होता है रॉ एंड कॉलम में ही होता है और रॉ और कॉलम मिला करके एक्सेल बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि एम एस एक्सेल 2016 में NOW यानी नौ सूत्र का आउटपुट क्या होगा। जब आप एम एस एक्सेल में नौ लगा कर इंटर दबाते हैं बराबर इजकल टू नौ और इंटर दबाते हैं
इज का मतलब ब्रैकेट बंद करके तो क्या आपका आउटपुट देता है, केवल वर्तमान समय और दिनांक। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, आपका जो वर्तमान तिथि है आज का वो भी और आपका कितना बज रहा है वो भी, दोनों मतलब ये जो है एक साथ आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट टाइप इन, आगे देख लेंगे, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में मेलिंग मेन्यू होता है और स्टार्ट मेल मर्ज में क्या सब नहीं होता है और क्या सब होता है, ये आपको जानकारी देना है। तो ईमेल भी होता है, यहाँ पर देख लेंगे, ईमेल भी होता है, इनवेलप भी होता है और लेटर भी होता है, ये फोल्डर ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनवेलिड है, फोल्डर जो है ये नहीं होता है, बाकी तीनों होता है, ईमेल, इनवेलप, लेटर, डायरेक्टरी और एक क्रिएट में होता है, लेबल होता है, इनवेलप होता है, ठीक है, लेबल भी होता है, टोटल पांच प्रकार के विकल्प होता है, ठीक है, बाकी फोल्डर नाम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 21 में कि चयनित डेटा से, यहाँ देखिए आपको जानकारी देना है कि चयनित डेटा से वार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। आपको एमएस एक्सेल में अगर चार्ट इंसर्ट कराना होता है तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं, तो यहाँ देखिए कंट्रोल बी है, F9, F11। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे, कोई डाटा को आप सिलेक्ट करके F11 करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएंगे एमएस एक्सेल में, ठीक है। चलिए उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि OSI मॉडल में कुल कितने लेयर होता है, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे समझ सकते हैं प्रेजेंटेशनल लेयर होता है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर होता है, उसके बाद नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एस से होता है सेक्शन लेयर होता है, अब पी से प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, उसके बाद ये से एप्लीकेशन लेयर होता है, टोटल 7 प्रकार के लेयर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर हो जाएंगे, OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि विच डिस्प्लेज द कंसिडेंट स्पेलिंग इरर इन डॉक्यूमेंट। आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में जब स्पेलिंग में इरर होता है तो कौन सा सिंबल प्रतीत होता है, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन। तो यहाँ पे देखेंगे जब स्पेलिंग में इरर आती है तो वहाँ पे रेड लाइन होता है, ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, देखेंगे कि जब भी स्पेलिंग में आते हैं एक को याद रखना है, दोबारा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, जब स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो वहाँ पे रेड आती है, ठीक है। जब ग्रामर मतलब जी से होता है, सबसे पहला ग्रामर में जब त्रुटि होता है तो वहाँ पे ग्रीन लाइन आता है, ठीक है, तो जब भी ग्रामर की बात होगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइन होगा, तो जी ये जान मतलब ये इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक को याद रखेंगे तो दोबारा जो है दूसरा जो है ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। जब भी ग्रीन मतलब ग्रामर में त्रुटि होगा तो ग्रीन लाइन आता है, ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रामर के लिए ग्रीन लाइन, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विच डिस्प्ले का स्पेलिंग में जब इरर होता है तो रेड लाइन, तो दोनों में से कोई एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि डैश से डिलीट की गई आइटम रिसाइकल बिन में जाते हैं, हार्ड डिस्क और सीडी और लेंस से और यहाँ देख केवल हार्ड डिस्क से, तो देखेंगे हार्ड डिस्क से जो भी फाइल फोल्डर डिलीट होता है आपके कंप्यूटर का जितना भी मतलब पार्ट है उसमें जो भी मतलब लगा हुआ है सब हार्ड डिस्क में ही लगा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है तो वो भी हार्ड डिस्क में ही है, तो मेमोरी में जो भी काम है सभी जो हार्ड डिस्क में ही है, तो हार्ड डिस्क से जो भी फाइल फोल्डर डिलीट होता है वो रिसाइकल बिन में जाके संग्रहित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, रिसाइकल बिन में जो भी जाता है वो सिर्फ हार्ड डिस्क से जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका सी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कीबोर्ड को लॉक कैसे किया जाता है, काफ़ी आसान प्रश्न है, विंडो के साथ एल करेंगे तो आप कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में टेबल बनाने के लिए आवश्यक पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम कितनी होती है। आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो न्यूनतम कॉलम और न्यूनतम रॉ की संख्या कितना होता है, तो एक रॉ होता है और एक कॉलम होता है, तो इसका यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे,
एक पंक्ति और एक स्तंभ होता है, एक रॉ होता है और एक कॉलम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएंगे, मतलब बी हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएंगे, ठीक है। एक कॉलम और एक रॉ होता है, ठीक है, न्यूनतम। और एमएस वर्ड में अधिकतम मतलब आप कॉलम जो इंसर्ट कर सकते हैं वो 63 और अधिकतम रॉ जो कर सकते हैं 32,767, ठीक है। और न्यूनतम 1 कर सकते हैं रॉ और न्यूनतम कॉलम 1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में ग्रामर एरर होने पर कैसा प्रतीक होता है। अभी जस्ट इसके ऊपर हम डिस्कशन किए हैं, जब ग्रामर की बात होगा तो जी आता है तो ग्रीन लाइन होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है टोपोलॉजी जो होता है वो टोटल 6 प्रकार के होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो टोटल 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ देख लेंगे कौन कौन सा होता है। सबसे पहला बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, उसके बाद यहाँ देखेंगे ट्री यानी पेड़ की तरह होता है वो भी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 प्रकार के होता है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी 6 में से कोई एक क्वेश्चन जो हर एक साल रिपीट होता है तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होता है। 4 है, 5 है, 6-7 है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो टोटल 5 प्रकार के होता है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो लास्ट जो होता है 255 तक होता है, तो इसमें टोटल मतलब यहाँ पे देख लेंगे 5 होता है, ए बी सी डी ई। तो आईपी एड्रेस जो होता है टोटल 5 प्रकार के होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम, उस पर भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है किस संख्या प्रणाली का आधार 16 है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब समझ सकते हैं, 4 यहाँ पे है, 4 में से एक जो है हर एक साल रिपीट किए जाते हैं और अब की बार भी ये रिपीट किए जाएंगे। यहाँ पर आपको जानकारी देना है किस संख्या प्रणाली का आधार 16 है। तो हेक्सा डेसिमल में जो है 16 मतलब नंबर आता है, ठीक है। ऑक्टा में जो है 8 आता है, जैसे बाइनरी में 0 और 1 आती है, ठीक उसी प्रकार हेक्सा डेसिमल में 16, ऑक्टा में 8 आता है और बाइनरी में 0 और 1 आता है और डेसिमल में जो है 10 आता है, ठीक है। आप याद रख लेंगे हेक्सा डेसिमल में 16 आते हैं, ऑक्टा में टोटल 8 आते हैं, उसके बाद बाइनरी में 0 और 1 आते हैं, ठीक है, और डेसिमल में मतलब 10 आता है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख लेंगे, चारों में से एक जो है 100% फिक्स रहने वाले हैं अब की बार के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद जानकारी देना है कि विंडोज़ 11 लास्ट वर्जन है, विंडोज़ 11 ये लॉन्च कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था, 2015, 2021, 2013, 2007। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, 2021 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको जानकारी देना है कि सीपीयू में ही निम्नलिखित डैश डैश घटक होते हैं। तो सीपीयू में टोटल 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो टोटल 3 होता है, इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है, यहाँ देखिए आईपी एड्रेस से एक क्वेश्चन आ गया है और हर एक साल जो है आईपी एड्रेस से एक नंबर जो है फिक्स रहता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस है 244, इसको पहचानने के लिए हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, सबसे पहला जो होता है उसको देखना पड़ता है। तो 244 सबसे पहला है, तो क्लास ए में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे क्लास ए में जो होता है 0 से लेकर 127 तक होता है, ठीक है, और क्लास बी में जो होता है 128 से लेकर 191 तक होता है, क्लास सी में जो होता है 192 से लेकर 223 तक होता है, ठीक है, और क्लास डी में जो होता है 224 से लेकर 239 तक होता है, और क्लास ई में 240 से लेकर 255 होता है। तो ये क्लास जो है ई में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर 244 है, तो इसका क्लास एड्रेस जो है ई हो जाएंगे, ठीक है, क्लास ई में आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि प्रिंटर की गति को किस में मापते हैं, प्रिंटर का जो गति होता है वो किस में मापते हैं, DPI, डॉट पर इंच, PPM, पेज पर मिनट, उसके बाद गीगा हर्ट्ज़, PPM, पेज पर मिनट,
तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए दो ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। प्रिंटर का जो गति होता है पेज पर मिनट में मापते हैं और उसकी गुणवत्ता जो होता है वो डॉट पर इंच में मापते हैं। ये आप लोग दोनों बात को ध्यान में रखेंगे, प्रिंटर की जो गति होता है वो पेज पर मिनट पर यानी PPM मापते हैं, ठीक है। और प्रिंटर की गुणवत्ता यानी गुण जो है उसको उसमें उसको जो हम मापते हैं DPI में, डॉट पर इंच पर हम उसे मापते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएंगे, प्रिंटर की जो गति होता है पेज पर मिनट होता है, ठीक है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ देखेंगे मेमोरी से भी हर एक साल एक नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देना है, यहाँ देखिए 1024 GB इक्वल डैश डैश होता है, ठीक है। 1024 GB बराबर होता है, 1 GB होता है, गीगाबाइट होता है, उसके बाद टेराबाइट होता है, सबसे पहला होता है बीट होता है, निबल होता है, ठीक है। उसके बाद बाइट होता है, KB होता है, MB होता है, GB होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है, ब्रिंटोबाइट होता है और क्रिप्टोबाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, 1024 GB बराबर जो होता है 1 TB होता है, ठीक है। और 1024 TB बराबर 1 PB होता है और 1024 PB बराबर 1 EB होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मेमोरी का जो यूनिट है हम पिछले वीडियो में डिस्कशन किए होंगे, आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप मेमोरी यूनिट को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कि MS Word 2016 में एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। देखेंगे आप MS Word हो या MS Excel, PowerPoint, कहीं पर अगर आप लोग एक बार टैब दबाते हैं तो कर्सर कितना आगे जाता है, 0.3 है, 0.5, तो राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे, 0.5 इंची जो है आगे घसकता है एक बार टैब दबाने पर, ठीक है। चलिए उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि 4 KB का प्रतिनिधित्व करता है, 4 KB मतलब एक किलोबाइट में होता है 1024 KB बराबर 1 KB होता है, तो यहाँ पे 4 KB होता है, तो 4 बार कर दीजिए, 1024 × 4 कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है 4096 हो जाएंगे। मान लीजिए 1024 है, फिर 1024 तो 2024 और 24 48 और 48 × 96, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 KB बराबर होता है 4096। चलिए आगे आपको जानकारी देना है, यहाँ पे देखेंगे 37 हो गया, 38 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल फाइल को डैश डैश कहा जाता है। तो एक्सेल फाइल जो भी फाइल को आप सेव करते हैं उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मतलब MS Word के फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं और MS Word फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि MS Excel फार्मूला विंडोज ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। MS Excel में मतलब फंक्शन को इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, Shift F3 से आप फंक्शन विंडो को आप इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप जो भी फंक्शन इंसर्ट करना चाहेंगे तो चॉइस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि MS Excel 2016 में टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाते हैं। MS Excel की चर्चा हो रही है, ठीक है, काफ़ी सारे छात्रों को लगता है कि MS Excel में स्ट्राइक थ्रू नहीं होता है, तो उसमें भी स्ट्राइक थ्रू होता है, लेकिन जब भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तभी आपको ये शो होगा, बाकी वहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों शो होगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू दिखेगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है यहाँ पर देख लेंगे, स्ट्राइक थ्रू का Ctrl+5 होता है, ठीक है, Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रू होता है, Ctrl+2 से बोल्ड होता है, Ctrl+3 से Ctrl+3 से इटैलिक होता है, Ctrl+2 से बोल्ड होता है और Ctrl+3 से
इटैलिक होता है और कंट्रोल प्लस फोर से अंडरलाइन होता है, ठीक है। आप एमएस एक्सेल में कोई भी सेल में लिखा हुआ है, राम राम लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस टू करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस थ्री करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस फोर करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएंगे, और कंट्रोल प्लस फाइव करेंगे तो बीच से मतलब एक रेखा खींच देगा, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस फाइव से स्ट्राइक थ्रू आप लगा सकते हैं कोई भी टेक्स्ट में। चलिए उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में इंक्रीज इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। एमएस एक्सेल में भी होता है इंक्रीज इंडेंट, और एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड दोनों में होता है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो एमएस वर्ड में इंक्रीज इंडेंट करने के लिए हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट होता है, और डिक्रीज इंडेंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एम दबाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेल की बात हो रही है तो यहाँ पर देख लेंगे, एक्सेल में अगर इंक्रीज इंडेंट करना चाहेंगे इंक्रीज, तो उसके लिए कंट्रोल टेब, कंट्रोल अल्ट और टेब दबाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे, इंक्रीज इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी एमएस एक्सेल में कंट्रोल अल्ट और टेब होता है, ठीक है। और डिक्रीज इंडेंट करने के लिए यहाँ पर देख लेंगे, एमएस एक्सेल में इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होता है, इंक्रीज इंडेंट करने का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल अल्ट टेब होता है, ठीक है। और डिक्रीज इंडेंट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और टेब होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बाकी प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के सेल्स समूह में कुल कितने प्रकार के विकल्प होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और हम पिछले वीडियो में भी जानकारी दिए होंगे, एमएस एक्सेल के होम मेन्यू में देखेंगे सेल में टोटल तीन विकल्प होता है। सबसे पहला इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंदर, साइकिल स्मार्ट आर्ट के अंदर कुल कितने प्रकार के विकल्प होता है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड दोनों में स्मार्ट आर्ट होता है इलेक्ट्रेशन समूह में, इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन समूह में। तो आपको जानकारी देना है कि एमएस वर्ड में एक देखेंगे साइकिल स्मार्ट आर्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, हायरार्की होता है, साइकिल होता है, रिलेशनशिप होता है, प्राइमरी होता है, और मैट्रिक्स होता है। तो देखेंगे साइकिल में टोटल 14 प्रकार के विकल्प होते हैं, ठीक है, टोटल 14 प्रकार के साइकिल होते हैं। प्रोसेस में टोटल 24 होता है, ठीक है, और सॉरी लिस्ट में सबसे पहला देखेंगे लिस्ट होता है, लिस्ट में टोटल 24 होता है, ठीक है। प्रोसेस में टोटल 32 होता है, हायरार्की में 7 होता है, मैट्रिक्स में 3 होता है, प्राइमरी में 4 होता है, रिलेशनशिप में 31 होता है, और साइकिल में 14 प्रकार के होता है। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद 45 में, तो 44 का राइट आंसर जो है यहाँ पे देख लेंगे सी नंबर हो जाएंगे, साइकिल में टोटल 14 प्रकार के साइकिल होता है, साइकिल प्राइमरी साइकिल स्मार्ट आर्ट में टोटल 14 प्रकार के विकल्प होते हैं, ठीक है। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2016 में सीट को स्प्लिट करने पर कितने भागों में विभाजित होता है। एमएस वर्ड में जब भी आप स्प्लिट करते हैं तो आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, वो आपको दो भागों में जो है विभाजित हो जाती है, ठीक है। और जब आप एमएस एक्सेल में स्प्लिट करते हैं तो आपका जो मतलब सीट है वो चार भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2016 में टेक्स्ट डायरेक्शन कुल कितने प्रकार का होता है। एमएस एक्सेल की बात हो रहा है तो यहाँ पर देख लेंगे, एमएस एक्सेल में जब टेक्स्ट डायरेक्शन होता है वो टोटल 6 प्रकार के होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का जो डायरेक्शन होता है टोटल 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार का कौन कौन सा होता है यहाँ पर देख लेंगे, 6 प्रकार का जो होता है वो कौन कौन होता है यहाँ पर आगे देख लेंगे। 46 नंबर का ये क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देख लेंगे, एमएस एक्सेल की बात हो रहा है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट डायरेक्शन जो होता है आप कोई सेल में देखेंगे तो कोई इस साइड से ऐसे भी राम लिख देते, कोई इस साइड से भी लिख देते, कोई इस साइड से भी लिख सकते, मतलब उसका डायरेक्शन जो है चेंज कर करके टाइप करता है। तो सबसे पहला जो होता है एंगल काउंटर क्लॉक वाइज होता है, एंगल क्लॉक वाइज होता है। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट अप होता है, उसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप होता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन होता है, उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट होता है। तो टोटल 6 प्रकार के
मतलब टेक्स्ट डायरेक्शन होता है एमएस एक्सेल में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में कुल कितने प्रकार का टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में टोटल चार प्रकार के टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। सबसे पहला होता है हॉरिजेंटल, उसके बाद रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री होता है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री होता है, स्टेकेट होता है, ठीक है। तो टोटल चार प्रकार के टेक्स्ट डायरेक्शन होता है एमएस पावर पॉइंट में, और एमएस एक्सेल में टोटल 6 प्रकार के होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी एलाइनमेंट जो होता है एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, और आप लोग को हम पिछले वीडियो में जानकारी दी होंगे कि एमएस वर्ड में टोटल इफेक्ट जो होता है फॉन्ट इफेक्ट 11 प्रकार का होता है। तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए, और भी जानकारी आपको उस वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 48 में आपको जानकारी देना है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में होम मेन्यू में कुल कितने समूह होता है। आप पावर पॉइंट को अच्छे से देखे होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एमएस पावर पॉइंट की बात हो रहा है, तो एमएस पावर पॉइंट में टोटल यहाँ पर देख लेंगे तो 6 प्रकार के ग्रुप होते हैं एमएस पावर पॉइंट के होम मेन्यू में, ठीक है। 6 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखें क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। सबसे पहला क्लिपबोर्ड होता है, उसके बाद स्लाइड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, ड्रॉइंग होता है, और एडिटिंग होता है। तो टोटल 6 प्रकार के एमएस पावर पॉइंट के होम मेन्यू में ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में कुल कितने प्रकार के व्यू होता है, सीट व्यू होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जो छात्र तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कशन करेंगे, और जो अभी तक इस वीडियो को एंड किए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि एमएस एक्सेल में कुल कितने प्रकार के सीट व्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एमएस पावर पॉइंट एक्सेल और पावर पॉइंट में कुल कितने प्रकार के व्यू होता है, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक्सेल लिख दीजिएगा और एक्सेल के आगे में कितना प्रकार के व्यू होता है वो टाइप कर दीजिएगा, और पावर पॉइंट लिख दीजिएगा और आगे में पावर पॉइंट में कुल कितने प्रकार के व्यू होता है ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, रेगुलर आप लोग को इस चैनल के माध्यम से क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।